जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिए जयपाल में। दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं एनिमल टीजर के बारे में। दोस्तों इसका इंतजार काफी दिनों से था, हम लोग सोच रहे थे गदर 2 के साथ ये मूवी रिलीज होगी, जबकि इसकी डेट रखी गई थी 11 अगस्त को, लेकिन ये मूवी पोस्टपोन होकर चली गई 1 दिसंबर को। अब उसका टीजर आया है आज यानी कि 28 सितंबर को। तो दोस्तों चलिए मैं इसके बारे में बात करता हूँ, मैंने इसको देख लिया है और इसके बारे में बात करते हैं कैसा है। दोस्तों मैंने देखा तो भाई मज़ा आ गया इसको देखकर, जो स्टोरी की भी प्रेडिक्ट हो रही है उसके हिसाब से जो हम लोग सोच रहे थे इसमें के इसका जो यानी कि रणवीर सिंह जिसका रोल कर रहे हैं एनिमल का, जानवर का, उसके पिताजी हैं अनिल कपूर, इसमें उनका रोल जो है हमें लगा था कि वो विलन है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टोरी जो इसमें टीजर में हमें जान पड़ी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, हो भी सकता है जो भी हो, लेकिन उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ जैसा कि टीजर में देखा मैंने, उसमें हमें दिखाया गया है कि जो अनिल कपूर हैं यानी कि रणबीर कपूर के बाप बने हुए हैं वो इसमें, तो वो एक ऐसा मतलब किरदार है कि उसको किसी ने तो मार दिया है, जो उसका बदला लेने के लिए रणबीर कपूर एनिमल बन गया यानी कि जानवर बन चुका है। जबकि उसकी जो स्टोरी पुरानी बताई गई थी उसमें दिखाया गया था कि उसका बाप यानी कि अनिल कपूर उसे मार रहा है कि इस मैंने अपने घर में क्रिमिनल पैदा किया है। अब ऐसा अगर होता कि वो खुद एक कोई डॉन या कुछ ज़्यादा ख़राब व्यक्ति यानी कि इसमें गुंडा का रोल करते अनिल कपूर तो अलग ही होता है, या शायद हो सकता है कि वो बनावटी हमें टीजर में दिखाया गया हो, कुछ और हो। तो ये हमें थोड़ा सा मूवी के हिसाब से बहुत देखने को एक्साइटमेंट करता है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे ये टीज़र बहुत ज़्यादा पसंद है। और जैसा दिखाया गया है कि इसमें रश्मिका मंदाना जो है उसमें उनकी प्रेमिका हैं और जो रोल इसमें है उनका भी गजब का दिखाया गया है, लेकिन इसमें बॉबी देओल की सिर्फ एक झलक दिखाई गई है। रणवीर कपूर उसमें बोलते भी हैं कि पापा अभी बहुत काम करना बाकी, अभी तो उसे ढूंढना है और उसे मारना है। तो यानी कि उसके डैड को यानी कि अनिल कपूर को किसी ने मार दिया है जिसका वो बदला ले रहा है, और वो कोई नहीं है जबकि बॉबी देओल हो सकता है। वो लास्ट में दिखाना मवा, सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा मज़ा आया उसका लुक्स ना, बॉबी देओल का बहुत मज़ा आया, बिल्कुल कातिल विलन का रोल मस्त। अगर इसमें वो विलन है तो भाई बवाल होने वाला है, सच बता रहा हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करें, और जो भी आपको पूछना वो भी करें कमेंट। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।